महाराष्ट्र के नांदेड़ में होली मोहल्ला रोकने के दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया और हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। दरअसल नांदेड़ में सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई और अत्यधिक भीड़ जमा ना हो इसलिए गुरुद्वारे के गेटों पर ताला लगा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था और कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट के ताले तोड़ दिए, जिस वजह से जुलूस रास्ते पर आ गया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। बताया गया है कि भीड़ ने पुलिस अधीक्षक पर तलवार से जानलेवा हमला किया, साथ ही कई पुलिसकर्मी भी इस भीड़ के हत्थे चढ़ गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही आईजी निसार तंबोली भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने बामुश्किल स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल वहां तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।